छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री ननकीराम कंवर ने दोंदरो में बालको प्रबंधन के सहयोग से स्थापित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विकास के लिए बालको द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बालको के निजीकरण के बाद स्थितियां बदली हैं। यह अच्छी बात है कि सामुदायिक विकास के लिए बालको अनेक कार्यक्रम चला रहा है। बालको प्रबंधन की पहल अन्य औद्योगिक संगठनों के लिए अनुकरणीय है। बालको की सामुदायिक विकास योजनाओं के तहत बालको के गोद लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण से लिया गया है। दोंदरो में बायोगैस संयंत्र के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम में बालको प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ स्मेल्टर उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने कृषि मंत्री श्री ननकीराम कंवर का स्वागत किया। बालको के सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट किया। दोंदरो के श्री जुगल सिंह कंवर के घर निर्मित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री ननकीराम कंवर ने किया। उन्होंने बालको के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निजीकरण के बाद स्थितियां बदली हैं और यह अच्छी बात है कि सामुदायिक विकास के अनेक कार्यक्रम बालको की ओर से संचालित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कल्याणकारी कार्य बालको द्वारा गाँव में किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जिसके पास रहता है उसको करना ही चाहिए। बालको वालों को कहूँगा कि इस क्षेत्र में भी, क्योंकि ये निजी क्षेत्र में आ गया, अब ऐसे सुन रहे हैं कि पूरा कंप्लीट निजी हो गया है ना, 49% भी बालको खरीद ली है तो पूरा निजी हो गया, तो अब स्वतंत्र है वो कुछ भी खर्च करने के लिए। पहले शासकीय था तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, ये कम से कम समाप्त हो गया। अब तो दिल खोल करके बालको ये समाज का कल्याणकारी कार्य करने में पीछे नहीं जाना चाहिए। कोरबा की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला कंवर ने अपने उद्बोधन में उम्मीद जताई कि बालको के सामुदायिक विकास योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ग्राम दोंदरो के सरपंच श्री जयपाल सिंह कंवर ने कहा कि विगत 2 वर्षों में बालको प्रबंधन ने उनके क्षेत्र के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं आरंभ की हैं। योजनाओं का सीधा फायदा ग्रामीणों को मिलने लगा है। श्री कंवर ने दोंदरो के स्कूल में पानी टंकी का भी उद्घाटन किया। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस योजना पर करीब 60,000 रुपए खर्च हुए हैं। आप सभी द्वारा आज का कार्यक्रम ठीक है।